हाय हेलो सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रितु जी उठ के बैठ गए, हम इतना लेट सोए रात को, बट ये सुबह फिर भी उठ जाता है। इसको फ़ोन दिया नहीं जाता, मैंने 10 मिनट दिया है क्योंकि इसको मिलता है स्क्रीन टाइम 1 आवर, जो कि हम नहीं देते हैं। वैसे आँखें डार्क हो रही हैं उसकी, आई डोंट नो, मे बी ये सोता बहुत कम है इसलिए। अभी मुझे जिम जाना था बट मैं सोचूँ शाम को ही जाऊँ, बॉडी बहुत थकी हुई है। अभी मैं सो गई थी और मैंने सोचा शाम को जिम कर लेती हूँ, सुबह तो गया नहीं, गया जाया नहीं गया। सो अभी यूवी सिंह घर पर है, मैं जिम करके आऊँगी और कल फ्राइडे फास्ट की कंजकी करनी है मुझे, तो पहले उसके लिए सामान लेना है, वो लेके गाड़ी में रख के देन मैं जिम जाऊँगी। ये ईद का चांद है, कितना खूबसूरत लग रहा है। व्रत के लिए अलग सामान ले लिया और आते ही ये गिफ्ट पैक आया है सुंदर ज्वेलर से, क्योंकि सुंदर पैकिंग के लिए है। वाओ, ये वैसाखी के लिए यार, ये कितना सुंदर है। सो पापा ने रिद्धू को सुला दिया है टाइम पर, 9 बजे। यस, 7 बजे सोता, कोई नहीं सो जाएगा, चंगा फिर सवेरे स्कूल जाना इन्हें। अच्छा ये ठीक है, ये क्या ऐसे पकड़ के लाया तू है काटने के लिए? ओहो रिद्धू पुपू कर रहे हैं। हाँ जी पापा, सॉरी युवी सिंह जी, तुझे कहने में अच्छा लगता, मैं फ्रेम चला ली, बट मैंने तो इतना भी अच्छा लग रहा है, तेनू लग रहा है। ये आयन हमें जन्मों से लेके रखी है, कभी यूज़ ही नहीं की और आज हम यूज़ करें। अरमान आएगी हमें यूज़ करनी है, स्टोर में घुसाई हुई थी, पतिदेव को ये चाहिए थी, हम निकालिए। लेट्स ट्राई, ज़रा स्टीम निकली, कहाँ गई? अच्छा भी सो गई है, तो भी सो चुका है, और किसी ने बोला है कि आप मिज़राब को भी टाइम दिया करो। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं शूट कर पाते, कुछ चीज़ें होती हैं, बट मेरी बिगी के लिए शायद से ज़्यादा टाइम है। सो मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा दुख देने वाली बात होती है किसी माँ को जब उसको ये कहा जाता है या उसको जज किया जाता है किसी चीज़ को लेके, स्पेशली बच्चों को लेके। मुझे ऐसा लगता है जो चाहे वर्किंग वुमन हो चाहे कोई भी माँ हो, वो बाहर रह के भी उतनी ही केयर करती है बच्चे के लिए जितने घर रह के करती है। मैंने देखी भी है और मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि कल मैं शूट पर थी तो मुझे यही हो रहा था कि वो ठीक है, वो ठीक है, और मुझे ये भी पता है घर वाले सारे साथ हैं, सब कुछ है। तो आप एक माँ को कभी जज नहीं कर सकते कि यार अगर वो काम कर रही है तो इसका मतलब उसको बच्चों की परवाह नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता वो रीज़न भी बच्चों के लिए हो, आप अपने बच्चों को ये शो करते हो कि यार आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्ट्रांग हो, आप काम कर सकते हो, आप हार्ड वर्किंग हो, और मेहनत करनी चाहिए, चाहे कितना भी पैसा हो चाहे नहीं भी हो, काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहती हूँ। और रही बात, आप ये बोलो मिज़ू को भी टाइम दें, मिज़ू ये डिसीजन उनसे बच्चे छोड़ने के लिए तो नहीं लिया ना, दूसरा करना,
इसीलिए लिया क्योंकि हमें चाहिए था, और ये मेरी बच्ची मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। बस ये है कि अभी ये छोटी है, जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं या मैं सुनती हूँ या जो काउंसलिंग वाले होते हैं, और अभी रिदान का वो फेज़ है कि उसके दिमाग में ये नहीं बैठना चाहिए कि नया बेबी आया और मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। सो इसलिए, क्योंकि मिजराब को भी कुछ नहीं पता, वो सबके साथ बिज़ी हो जाती है, इसलिए मैं इसको छोड़ के उसको सुलाने में, उसको साथ में रखने या खाना खिलाने में ज़्यादा टाइम दे देती हूँ, सो दैट उसके दिमाग में चीज़ें, क्योंकि वो बड़ी जल्दी इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि बेबी है अभी। बच्चे के साथ आप जैसा चेंज करोगे वो वैसा हो जाएगा, तो उसको यही होना चाहिए कि मिजराब के साथ भी प्यार है, उसके साथ भी प्यार है, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, छोटा बेबी आ गया तो उसको नहीं, हम दोनों बैलेंस करके चलते हैं। इनफैक्ट चाहे यूवी सिंह हो, चाहे नवराज पाजी हो, चाहे अजीत भाभी हो, सब लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के चीज़ करते हैं, नानी नानू सब, सो दैट उसके दिमाग में ये ना बैठे कि मिजराब ने मेरी मतलब इम्पोर्टेंस कम कर दी है कुछ भी। सो ये चीज़ें रख के हम लोग ये चलते हैं। और व्लॉग में कई बार सब कुछ नहीं शूट होता, कई बार नहीं मन करता शूट करने का, सो उसके अकॉर्डिंगली आप 8 मिनट में पूरे 24 घंटे नहीं देख सकते। सो आप ये सोचो, एक माँ के लिए 24 घंटे ही ड्यूटी होती है। सो प्लीज़ डोंट जज मदर्स, ओके? थैंक यू सो मच, एंड आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स को लाइक करने के लिए, प्यार देने के लिए। यस, कई व्लॉग्स में साउंड का प्रॉब्लम रहा, मेरे पास माइक है बट इसकी केबल नहीं है इस नए फ़ोन की, तो उसकी वजह से वो अटैच नहीं हो पाते, और उस चक्कर में मैं लेज़ी हो जाती हूँ और छोड़ देती हूँ, और दूसरे फ़ोन में बनाने का ये पंगा कौन ट्रांसफ़र करे। सो मैं इसी में काम कर देती हूँ, बट यस, आई विल टेक केयर ऑफ इट। मैं आगे से कुछ चीज़ें बेटर करने की कोशिश करूँगी, और बस आप लोगों से यही शेयर करना था कि एक शो मैं पंजाबी PTC चैनल के लिए कर रही हूँ, और एक है सोनी सब के लिए, वो भी छोटी सरदारनी जैसा ही है, पंजाबी फैमिली का स्टोरी है, उसकी भी डिटेल्स मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। गुड नाइट दोस्तों, बच्चे सो गए और अब मैं भी सोने लगी, बाय। सोना कैसे हो सकता है, सोने का भूल के मुझे याद है एडिटिंग तो मैंने की ही नहीं आज की, क्योंकि आज भी व्लॉग लेट हो गया था। सो मैं अभी पहले वीडियो एडिट करूँगी, फिर उसके बाद उसको अनलिस्ट करूँगी, सुबह की तैयारियाँ करूँगी, सो दैट सॉरी व्लॉग लेट ना हो और टाइम पर आ जाए। सुबह बड़े सारे काम है, अभी 1 बजने वाला है, लेकिन मुझे सुबह 6:30 उठना है, फ्राइडे फास्ट शुरू करना है अपना, देन रिदान को स्कूल छोड़ना है, रिदान को स्कूल छोड़ के जिम जाना है, जिम जाने के बाद सिर्फ मुझे अपने फास्ट की कुछ चीज़ें जो उस टाइम लेनी है, जैसे फ्लावर हो गए, बाकी चीज़ें लेके आनी है, और बस फिलहाल यही काम है। गुड नाइट।